कभी कभी सिर्फ आपकी कुछ छोटी सी गलतियों की वजह से ही आपका मैनिफेस्टेशन खराब हो जाता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, आप हीलिंग साइंस की बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, या कोई बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और आप पहले मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं, लेकिन आज आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कोई विश को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ध्यान रखना, एक बहुत छोटी सी गलती है जनरली जो हम कर बैठते हैं और उस वजह से ही हमारा ये जो मैनिफेस्टेशन है वो साकार नहीं हो पाता। तो आज इस बात को अच्छे से समझो। देखो, मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ग्रेटिट्यूड। और हम रात को यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं, भगवान जी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, परमात्मा को आभार व्यक्त करते हैं, है ना, कि मुझे इस चीज़ के लिए धन्यवाद, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। फिर हम अपने डेली रूटीन में कुछ छोटी मोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे क्या, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्ज किया आप सुबह उठे और आपकी नींद खुली 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी आप उठे, और आप देखते हैं कि आपके घर में काम वाली बाई आई हुई है और वो सफाई कर रही है। अब आप उठते हैं, वो सफाई कर रही है और आपके पैर में झाड़ू लग जाता है, या फिर आप चल रहे हैं तो आपके पैर से कचरा लग जाता है और काम वाली बाई बोलती हैं आपसे कि भैया साइड से रखो, पैर को ध्यान से रखो, बस उनका इतना सा बोलना होता है, और आप तुनक करके उन पर बरस पड़ते हैं कि कोई टाइम है झाड़ू लगाने का, जब मैं सो के उठा उसी टाइम तुम्हें झाड़ू लगाना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, तुमको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये सारी बातें आप उन पर बरस जाते हैं। और ठीक उसी टाइम यूनिवर्स आपको देख कर ये कहता है कि अच्छा बेटा, रात को तो बड़ा ग्रेटिट्यूड कर रहा था, थैंक यू बोल रहा था, और अभी इतनी सी चीज़ तो उसे सहन नहीं हुई, दिल दुखा दिया ना उसका, कोई बात नहीं। अब आप आगे बढ़ते हैं, मम्मी आपके लिए रोटी बनाती है, आपकी वाइफ आपके लिए खाना पकाती है, और खाने में थोड़ी सी कोई नुक्स निकल जाती है, जैसे सब्जी में नमक नहीं है या रोटी जल गई, और आप खाने के टेबल में बैठे बैठे 4 बातें सुना देते हैं अपनी मम्मी को, मम्मी ये क्या है यार, ये ऐसा खाना बनाते हैं क्या, सर मूड खराब कर दिया सुबह सुबह, मैं बोलता हूँ ना सुबह सुबह मेरा मन खराब मत किया करें, सुबह सुबह ऐसा कुछ ना किया करें जिससे मेरा मूड ऑफ हो, अब देखो पूरा दिन मेरा खराब जाएगा। आपका दिन खराब जाए या ना जाए, आपकी मम्मी का या आपकी वाइफ का तो दिन खराब जाएगा ना, क्योंकि आपने सुबह सुबह इतनी सारी बातें उन्हें सुना दी है ना। और ठीक उसी टाइम यूनिवर्स आपको देख रहा है और वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा बेटा, कल रात को तो बड़ा थैंक यू कर रहा था और आज दिल दुखा दिया ना लोगों का। और ना जाने ऐसे ही कितनी गलतियां आप करते हैं। आप बाहर निकलते हैं, आप कॉलोनी के सिक्योरिटी वाले भैया को कुछ बोल देते हैं, ऑटो वाले भैया को कुछ बोल देते हैं, अपने ऑफिस में जा कर के अपने सीनियर के लिए बुराइयाँ कर देते हैं, अपने जो बॉस हैं, जो आपका सीनियर है, जो आप जिनसे आप बहुत कुछ सीखे हैं, उनके बारे में बैठ के आप चुगलियाँ लगा रहे हैं अपने कॉलिग्स के साथ कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उसके ऐसे संबंध हैं, उसके ऐसे रिश्ते हैं, वो ज़्यादा बात करता है और हमको ज़्यादा सिखाने की कोशिश कर, व्हाटएवर, जो भी इनडायरेक्टली जिन चीज़ों से भी आपको कुछ प्राप्त हुआ है, आप उनकी बुराइयाँ कर रहे हैं, उन्हें उनका दिल दुखा रहे हैं, कभी भी आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में आप नेगेटिव वे पे जा रहे हैं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुख रहा है तो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई, अगर नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है तो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव चीजों का नहीं होगा। नेगेटिव एनर्जी से, जिसे आप नेगेटिव मानते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वैसी एनर्जी से वैसी ही चीज तैयार होंगी जो आपको नहीं चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी से वैसी ही चीज़ तैयार होगी जो आपको एक्चुअली चाहिए। तो अगली बार से ध्यान रखना कि जब कभी भी आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, चाहे 369 कर रहे हो, चाहे 2 कप्स मेथड कर रहे हो, चाहे वाटर हीलिंग टेक्निक कर रहे हो, चाहे स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, चाहे अफर्मेशन कर रहे हो, अपने डेली रूटीन में पॉजिटिविटी बना के रखना, क्योंकि हर किसी में यूनिवर्स है, हर कोई यूनिवर्स का ही रूप है। आप एक तरफ रात को बैठ के थैंक यू बोल रहे हैं यूनिवर्स को कि आज का दिन मुझे दिया, थैंक यू सो मच, आज मुझे खाना मिला, थैंक यू सो मच, आज मेरा हाथ पैर सलामत है, थैंक यू सो मच, आज मैं सलामत हूँ, थैंक यू सो मच, मेरे माता पिता मेरे साथ है, थैंक यू सो मच, मेरा परिवार मेरे साथ है, थैंक यू सो मच, मेरे कॉलिग्स ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, थैंक यू सो मच। और उसी के ठीक अपोजिट आप उन्हीं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे में
कैसे होगा? समझने वाली बात है ना? तो ठीक है, अब बात समझ में आ गई, सुधार कर लेंगे, इंसान है यार, गलतियां तो होती है और सीखते रहना ही हमें आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ पाया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। मैं हूँ आपका दोस्त मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। नमस्ते है जी।